मम्मी जी को जरूर फोन करना। बाय बाय मम्मी, हैप्पी जर्नी। पत्थर भी गिर सकता है पर। ओ, ओ भाई थैंक यू सो मच गाइस, नमस्ते, दिस इज योर दर्शन थमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन ब्लॉग्स। एंड गाइस फाइनली द डे हैज कम एंड गाइस आज मैं जा रहा हूँ सिक्किम। सिक्किम में मैं कहाँ पर रह रहा हूँ एंड किसके साथ रह रहा हूँ एंड कहाँ कहाँ पर एक्सप्लोर करूंगा वो सिक्किम वाले ट्रिप में ही आप लोगों को पता चलेगा। जिनके फैमिली के साथ मैं आज स्टे कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी उन लोगों को ब्लॉग में देख चुके हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा कहाँ पर जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जब मैं वहाँ पर पहुंचूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा एंड मैं बता दूंगा गाइस मैं कहाँ पर जा रहा हूँ एंड किस लिए जा रहा हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सब जना। नमस्ते, आज मैं जा रहा हूँ सिक्किम। सिक्किम जैकेट लगाऊंगा एंड गाइस ये वाला टी शर्ट क्योंकि दर्शन ब्लॉग्स का लोगो ये हमारा फेवरेट वाला टी शर्ट है, इसलिए ये पहन लिया एंड इसके ऊपर मैं पहनूंगा ये राइडर्स जैकेट। एंड गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड मॉर्निंग डैडी जी, देखो मेरा सैडल बैग लेके रेडी है एंड इसको अभी इसका रेडी करने में 2 घंटा लगेगा। हाँ, पूरा पैकिंग वैकिंग हो रहा है। सच में गाइस अगर बाइक राइड अगर लॉन्ग टूर करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है पैकिंग वैकिंग करने में एंड बहुत सारे सामान का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों को मैंने इंस्टाग्राम में बताने मतलब एक छोटे छोटे मेमोरी कार्ड से लेकर छोटे छोटे चार्जर बैटरी सब कुछ ध्यान में रख के चलना पड़ता है। डैडी जी मेरा जैकेट पहन के देखो क्या है इसमें। दादी जी को हार्ले डेविडसन खरीदूंगा मैं और छोटा लग रहा है ना। बाय बाय मम्मी। तो चलो गाइस अब यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी चांबा खा के चांबा पी के जाएंगे। सुबह सुबह चांबा जैकेट लेकर हम निकल रहा हूँ एंड गाइस निकलने से पहले ना छह सब में भी एक प्रेयर कर लेते, मेरा जर्नी अच्छा रहो, मेरा ट्रैवल सेफ रहे एंड सब लोगों को खुश कर सको। तो चलो ओम माने पे मैं। गुड मॉर्निंग आशु। आज मैं जा रहा हूँ सिक्किम फाइनली। सेफ जर्नी। थैंक यू। हैप्पी जर्नी। ओके, धीरे से चलाना एकदम जो धीरे से। हां अच्छा, जा स्टे करेंगे। मम्मी जी को जरूर फोन करना, घर में घर के घर में फोन करना। ओके मम्मी, फोन करने मत भूलना। मम्मी आई मिस यू। बेटा को आशीर्वाद दे दो, सिक्किम से ढेर सारा प्यार कमा के आऊ मैं। ओके, वीडियो कॉल करना। ठीक है, हमको बाय बाय आशु, अच्छे से रहना, मोमो ज्यादा मत खाना। ठीक है, टार्जन भाई थैंक यू। कहाँ थे आज, स्कूल नहीं है? वो आज सैटरडे है गाइस, तो इसका स्कूल छुट्टी है। लव भाई, टार्जन भाई अपना ख्याल रखना, अच्छा सा पढ़ाई करना। ठीक है, मैंने बापी बचाला। बाय 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 जी यू मेरे भाई, आई लव यू, लव यू मेरे भाई। ला सिट, बाय। फाइनली गाइज अपना बम्बल भी हो गया सेट एंड सैडल बैग्स लग गया एंड इसमें मेरा लैपटॉप है। चलो अभी निकलने का टाइम है। लॉट राजन भाई बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। हाँ बाय बाय, हैप्पी जर्नी, फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लो बाय 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 टार्जन भाई, तार यहाँ जो आराम ले। अभी गाइस यहाँ से मैं 8:30 से निकला हूँ, देखेंगे कितने बजे पहुँचेंगे सिक्किम एंड आज मुझे डायरेक्ट पहुँचना है तादुंग। इतना स्पीड राइड नहीं करता हूँ तो आराम से जाएंगे एकदम। मौसम वैसे क्लियर नहीं है, धुंधला धुंधला सा ही है, लेकिन गाइस बारिश नहीं हुआ है, वही अच्छी बात है गाइस। यहाँ पर हल्का सा बारिश हो रहा है, इसलिए मैं सोचा कि ये वाला जो हेलमेट वाला गोप्रो है ना, तो ये वाला गोप्रो मैं अंडर लगा रहा हूँ क्योंकि फोटो ब्लॉगिंग सेटअप रखने के टाइम में यहाँ पर पानी घुसता है ना, तो इसको मैं सेव करने के लिए। अभी गाइस देखो बारिश हो रहा है, साइड रेनकोट भी पहनना पड़ेगा। अभी मेरा घूम क्रॉस करके जोरबंगला भी क्रॉस कर चुका हूँ एंड मैं अभी जा रहा हूँ 3 माइल 6 माइल वाले रास्ते से। तो गाइस अभी यहाँ पर बारिश भी हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर गोप्रो हेलमेट पे नहीं लगाया। तो आई विल अपडेट ऑन द वे गाइस।
आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है एंड मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुका था, रेनकोट वेनकोट पहन लिया हूँ, फिर से निकलते गाइस। चलो सेट। बारिश के मौसम में बाइक राइड करने का मैंने डिसाइड किया, तो बारिश का मौसम का बाइक राइड में एक्सपीरियंस लेते हो। यस्तो पानी झर्यो एउटा बारिश में भी हमारे दर्शन ब्लॉग्स फैमिली मिल गए एंड दे आर ऑल फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम में गएको है ल। नाइस टू मीट यू ऑल। बाय बाय। हुन्छ बाय बाय। अभी आप लोगों ने देखा, मतलब सिक्किम एंटर करने से पहले हमें सिक्किम के लोगों से प्यार मिलना शुरू हो गया गाइस। सिक्किम के लोग बहुत प्यारे होते हैं एंड दे आर वेरी फ्रेंडली लवली। ब्रिज हम पहुंच गए टिस्टा ब्रिज एंड गाइस ये वाला ब्रिज तरना है हमें एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी। ओ भाई कितना बड़ा नदी है ये। तो गाइस यही है टिस्टा नदी एंड मुझे वो वाला ब्रिज मतलब क्रॉस करके जाना है। अभी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ज्यादा ही कुछ उबड़ खाबड़ है गाइस। ये देखो, ओह माय गॉड। अभी हम पहुंच गए मल्ली। तो गाइस ऊपर से पूरा पत्थर गिर गया यहाँ पर, लैंडस्लाइड। बहुत रिस्की रोड है गाइस ये। कहाँ आ गए हम। ओ गाइस लुक एट दिस व्यू। ओ माय गॉड कितना सुंदर है ना। पहुँच गए जन्नत, ऐसा लग रहा है कि मैं सच में ड्रीम लैंड पे पहुँच गए गाइस। ओ माय गॉड। और रास्ता देखो गाइस, सच में गाइस सही में बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओ माय गुडनेस लुक एट दिस गाइस। एकदम भयंकर वाला रास्ता है एंड व्यू काफ़ी सुंदर है, बहुत मज़ा आ रहा है। साइड में नदी, ये पहाड़ एंड पत्थर वाला रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है गाइस। गैंगटॉक 41 किलोमीटर। और एक ब्रिज, ये रंपू ब्रिज है, सिक्किम एंटर करने वाले है। सो दिस इज द बॉर्डर, कुछ चेकिंग वेकिंग होगा शायद, पता नहीं। तो गाइस वेलकम टू सिक्किम। अभी हम सिक्किम एंटर कर चुके हैं गाइस। वेलकम टू सिक्किम गाइस। देखो तिरंगा। ओ देश मेरे। राइड करके बहुत थक गया एंड रेस्ट कर रहा हूँ एंड गाइस यहाँ पर कॉफ़ी ले रहा हूँ एंड दिस इज ओएसिस कैफे, रंपू माइनिंग जगह में है। बहुत ही अच्छा गाइस, यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ पर नीचे ये कौन सा नदी है, टिस्टा है ना, टिस्टा नदी। और वहाँ पर क्या है, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ ये वाला। ओ गाइस यहाँ पर है सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ओएसिस कैफे में एंड अभी निकल रहा हूँ, मुझे पहुँचना है देहरादून। इस बम्बलबी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड बहुत मज़ा आया गाइस। ऊपर तो बारिश था, यहाँ पर बारिश नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो थैंक यू, सी यू देयर गाइस, सी यू देयर। यहाँ पर है आपका लैंडस्लाइड जोन, आप देख सकते हो ऊपर। ओ माय गॉड कितना बड़ा लैंडस्लाइड, यानी क्योंकि यहाँ पर ऊपर से पत्थर भी गिर सकता है। कब यहाँ पर गिरेगा वो पता नहीं चलता। एंड गाइस यहाँ पर रोड देखो, बहुत ही ज़्यादा स्लीपरी लग रहा है। बजरंगबली जय हो। डिड गाइस, भयंकर वाला ऑफ रोड था। ओह रे बाबा, अच्छा। ओ भाई भयंकर वाला यहाँ पर सीन हो रखा है, पर आगे बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा होने वाला है।
ओहो संभालना भाई, संभालना मेरे बम्बल भी। ओ भाई मेरे ट्रक भी आ रहे गाइस यहीं पर। ओ भाई, ओ भाई, ओ फिसलन बहुत ज़्यादा है। ओ माय गॉड, बट आई डिड इट गाइस। एंड आप देख सकते गाइस लैंडस्लाइड, ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं, यहाँ पर रुकना ज़्यादा सही नहीं होगा। चलो भाई निकलते हैं, बहुत बड़ी परीक्षा मैंने पास कर दी, अभी मैं लद्दाख जा सकता हूँ गाइस। और एक अग्नि परीक्षा है शायद भाई, कहाँ से जाना है, ये कैसा रास्ता है। गाइस कैसा कैसा रास्ता मिलता है यार। ओ भाई ऊपर से पत्थर गिरा तो भाई, क्या कर रहे भाई ये गाड़ी। हम तो खतरनाक लेवल वाला है भाई सड़क। मामा मा, मा, हेलो हजुर, ए हुन्छ हुन्छ एकछिन हजुर, यता हाल्नु बाइक। गाइस फाइनली पहुंच गए एंड आप लोग इंट्रोड्यूस कराऊंगा बाद में। सबसे पहले गाइस अपना हालात देखो, यहाँ पर पूरा कीचड़ हो रहा है। फाइनली यहाँ पर मैं तादुंग में, एक्चुअली तादुंग इज नियर टू गैंगटोक, मतलब गैंगटोक ही समझो, अभी मैं गैंगटोक में हूँ। एंड आते ही वेलकम अच्छा हुआ आंटी के साथ, एंड आंटी और पूरे फैमिली को इंट्रोड्यूस कराऊंगा बाद में। बहुत सारे लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम में। तो गाइस यहाँ पर है दर्शन ब्लॉग्स फैमिली की पूरे टोली। गाइस सिक्किम आने से पहले भी बहुत सारा प्यार मिला था, और सिक्किम आने के बाद तो बहुत ही एक्स्ट्रा वेलकम हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं हमें। हमारा बर्थडे तो नहीं है फिर भी थैंक यू सो मच, इतने प्यार से दे रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा बर्थडे है गाइस। एंड थैंक यू सो मच सब हरला है, मैं कर दूँ। थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। यहाँ पर पाल दिन भाई से मीटअप हो गया है एंड इज द क्रू ऑफ गरिमा एंटरटेनमेंट एंड पदम जो के पूरे टीम में को मिलने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। अचानक से मतलब पाल दिन भाई ने हमें रिकॉग्नाइज किया एंड बुलाया, एंड नाइस टू मीट यू पाल दिन, थैंक यू सो मच, आउँछु ल भेट्न। गरिमा एन्टरटेनमेन्ट पुरा मन पर्छ, इभन मेरो फ्यामिली डेफिनेटली अभी आएगा गाइस गरिमा एन्टरटेनमेन्ट के साथ मिटअप ब्लग कल रातको। नाइस टू मिट यू ब्रो, ओके। बम्बल बी को मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया है। नमस्ते फुपू, नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी, नमस्ते। फाइनली अभी टाइम मिला है, हम लोग ने देख ही लिया, बहुत रश में आ गया एंड एडवेंचर ट्रिप था बाइक राइड में, एंड काफ़ी मज़ा भी आया, रिस्की भी था एंड बहुत इंजॉय भी किया। एंड आते ही गाइस सिक्किम के लोगों से इतना ज़्यादा प्यार मिला आते ही, एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगा मैं किसके घर में जा रहा हूँ, एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन फैमिली के वहाँ पर जा रहा हूँ वो ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में भी आ चुके हैं। एंड गाइस आप लोगों को पता है शायद एक पिछले वाले ब्लॉग में यूके से कोई हमारे घर में गेस्ट आया था, एंड पालजर दादा की पूरे फैमिली, अगर आप लोग ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वो देख लीजिए। एंड गाइस
केंद्रिक एंड दीदी भी आई थी वहाँ पर। आज केंद्रिक का बर्थडे है तो स्पेशली केंद्रिक के बर्थडे में मुझे इनवाइट किया था। एंड यहाँ पर है हमारे बर्थडे बॉय। हेलो हैप्पी बर्थडे केंद्रिक, छिटो हैप्पी बर्थडे भन न अन्त अहिले। ओ डायनासोर डायनासोर ओ डायनासोर हैप्पी बर्थडे खै थैंक यू भन्नु छिटो। ओके गाइस, तो केंद्रिक के बर्थडे है आज, तो सेलिब्रेशन होगा कल, ठीक है। तो यहाँ पर है दीदी, हाय दीदी। हेलो आंटी, हेलो नमस्ते दादा, हेलो। एंड यहाँ पर है हमारे प्यारे अंकल जी। अंकल जी पहले से थोड़ा सा मोटा हो गया है। थैंक यू, बिग फैन, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइबर आल्सो। कृषि भवन देखि चाहिँ खोज्दै 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 आको सिक्किम से आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। मैं जहाँ पर स्टे कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने लोकेशन में रिवील नहीं किया है, फिर भी मतलब कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। सिक्किम आके बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। अभी कितना चार घंटा भी नहीं हुआ, 2-3 घंटा हुआ, इतना सारा प्यार मिला है। थैंक यू सो मच सिक्किम। एंड गाइस, मतलब आप लोगों ने देख लिया कितना एडवेंचर राइड करके आया हूँ। एंड आने से पहले मैंने वॉश किया था बम्बलबी को, और अभी हालत देखो भाई। कोई बात नहीं, इसको यही तो है ना मजा राइड का। चलो गाइस, इसलिए अभी हम यहाँ पर तादुंग में है। वैसे आज घूमने के लिए तो नहीं जा रहे, कुछ इम्पोर्टेंट सडन काम आ गया था, तो दीदी और दादा के साथ हम जा रहे हैं गैंगटोक मार्केट। yes, तो ज़्यादा एमजी मार्ग ना, एमजी मार्ग तो नंदा जी नर्मदा हमें घुमा रहे हैं। वैसे आज घूम तो नहीं रहे, छोटा मोटा शॉपिंग ऐसे। तो यहाँ से व्हाट आई लाइक इज, मतलब इस साइड में आप देख सकते टैक्सी जा रहे हैं एंड वन वे। एंड यहाँ पर लोग आराम से घूम रहे हैं, तो यहाँ पर टैक्सी अलाउड नहीं है। तो इट्स एंड आप मार्केट भी देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा है। सो काफ़ी हैप्पी इन्वायरमेंट, बहुत ही अच्छा है। गैंगटोक बाज़ार में आप भीड़ भी देख सकते हैं, ऐसा ही है जैसे लाइक दार्जिलिंग में जैसा भीड़ होता है वैसा ही। एमजी मार्ग में हूँ एंड जैसे आया खाना वाना खाया, फिर डायरेक्ट एमजी मार्ग आ गए। एंड आप मेरा हुलिया देख सकते हैं गाइस, रफ एंड टफ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा एमजी मार्ग में एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन दर्शन ब्लॉग्स फैमिली, हैप्पी फैमिली मिल गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। गैंगटोक सिक्किम से इतना सारा प्यार मिल रहा है, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। अभी फ्रेश होके मैं घर में आ गया हूँ। एक्चुअली ना गाइस, अभी तक मैं घर नहीं पहुँचा था, वहाँ पर जो था ना आंटी के रिलेटिव्स थे, तो वहाँ पर कुछ देर रुका एंड देन वी वेंट टू एमजी मार्ग, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। एंड ना गाइस, कल के लिए तैयारी हो रहे हैं। एंड यहाँ पर है हमारे आंटी, प्रिपेयर कर रहे हैं कल के लिए। कल से दादा की मॉम है, तो पिछली बार हमारे घर में भी आए थे। एंड सिक्किम में मेरा दूसरा फैमिली भी है, पालजर दादा की फैमिली है ना गाइस। कल भाई का बर्थडे है, तो उसके लिए सब तैयारी हो रहे हैं। आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या बनाया आंटी ने। ये आंटी ने खुद अपने हाथों से बनाया सेल रोटी, मैंने अभी देखा आंटी ने बहुत अच्छी तरीके से बना रहे थे। सेल रोटी स्पेशल है लपसी, ये पिकल के लिए, अचार के लिए ना। चिकन, फिश, लॉट्स ऑफ वैराइटीज, तो कल के लिए तैयारी हो रहा है गाइस। इतना ये सेल रोटी बनाने के लिए ये यूज करते हैं आंटी। एक्चुअली ये बहुत ही ओल्ड स्टाइल है, इसको हम बोलते हैं ओखली, ओखली नहीं ओखली मुसली। तो इसमें चावल डालना है एंड देन उसको पाउडर बनाना है, तो फिर उसके बाद बन जाएगा सेल रोटी। आजकल ये चीज़ें बहुत ही रेयर होता है गाइस, बहुत ही कम घरों में दिखता है। एंड आंटी के घर में देखा मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। इवन आजकल विलेजेस में भी नहीं मिलता है गाइस ये वाला चीज़। नर्मदा इस डेकोरेटिंग बर्थडे के लिए, एंड कल का थीम है, ये थीम से कौन ले रहा है को डायनासोर्स हाँ कौन ले बाजी ने।
एंड गाइस कल का थीम है डायनासोरस, क्योंकि हमारे बर्थडे बॉय का फेवरेट है ना। और ये देखो गाइस पूरे डायनासोरस डायनासोरस। यम्मी लो पपी पपी। सो दिस इज माय रूम एंड गाइस जहाँ पर भी जाता हूँ मेरा रूम आते ही ऐसा देखो कितने सारे सामान हो गए ना। एंड अपना एडिटिंग वाला काम गाइस क्या करूँ, एज अ व्लॉगर दिन भर घूमो, रात को रात तक व्लॉग एडिट करके कंप्लीट करना होता है। देखो यहाँ पर नर्वो जोजो का टैलेंट बहुत ही अच्छा स्पेशल करी बन रहा है आज दर्शन के लिए, चिकन स्पेशल। थैंक यू सो मच। एंड गाइस यहाँ पर ना सब लोग टैलेंटेड टैलेंटेड, मतलब दादा को टैलेंट देख लिया, हस्बैंड का टैलेंट, अभी वाइफ का टैलेंट देखिए। ये है हमारे दीदी का टैलेंट, हमने हाथों से खुद बनाया है बेटे के लिए। अभी केक कटिंग होने वाले है, चलो। तो गाइस इसका टेस्ट बाद में बताएंगे कैसा हुआ है। ठीक है। मास्टर शेफ है अंकल जी। जी चलिए आइए केक काटते हैं अभी। हाँ चलिए चलिए चलिए। हाय आंटी। हाय केंजो। हैंडसम हैंडसम होके बैठा हुआ है, क्यूट क्यूट सा लड़का। हेलो गाइस, ये है हमारे पालजो दादा का बेटा, पिछली बार ब्लॉग में आए थे। एंड भौजू भी देख रही है यहाँ पर। हाय नमस्ते भौजू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kendri. Happy birthday to you. Ah, khushi bhayo. Happy birthday. Hi, thank you, man. बर्थडे गिफ्ट केंद्रिक का, थैंक यू बना चीटो। के फॉर केंद्रिक। केंजो देख रहे हैं केंद्रिक को ऑल द वे फ्रॉम यूके। ओह गाइस यहाँ पर केंद्रिक के प्यारे प्यारे दोस्त भी है, ये देखो। केक खाओ केक। यहाँ पर भी है सबसे छोटा वाला, क्यूट सा भाईला। तो नहीं आइले म खीर तले लोकिन्छु, तले दिनु ल घरमा। तो कल के लिए हो रहे हैं तैयारी, तो मैं आप लोगों के लिए कपकेक बना रहा हूँ। तो गाइस कपकेक तो आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कमेंट्स में डाल दूंगा, आप वहीं से खा लेना। तो गाइस यहाँ पर दो फ्लेवर है, एक प्लेन है और ये है चॉकलेट, वेनिला और चॉकलेट। ओ वेनिला है, ठीक है गाइस। तो दोनों में से कौन सा अच्छा होगा देखेंगे। बिहाइंड द सीन कैमरा मैन भौजू एंड दादा। तो यस गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय। एंड स्पेशली गाइस वी आर मिसिंग पालजर्दा केंजो, पालजर्दा केंजो भौजू सबैजनालाई वी आर मिसिंग हियर है। सो हो सके शायद अगले साल एक साथ मनाएंगे बर्थडे वगैरह है दा। यो कप, ये कप केक कैसा होगा आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगा। लाई बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।